मध्य प्रदेश शासन के निर्देश विकासखंड के ग्राम तलकपुरा में विकासखंड स्तरीय आयुष मेला का आयोजन किया गया। शिविर में 100 से अधिक ग्राम के लोगों ने तलकपुरा, पनाली, जलगौन और आसपास के ग्रामों के लोगों ने उपचार करवाकर निशुल्क दवाइयां ली। शिविर में बड़ी संख्या में आयुष विभाग के चिकित्सक उपस्थित थे। इस दौरान विधायक केदार सिंह डावर ने चिकित्सकों और ग्रामीणों से शिविर को लेकर चर्चा करते हुए शिविर का लाभ लेने की अपील भी की। सैगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आयुष्मान ब्लॉक स्तरीय शिविर का आयोजन हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं शिविर को लेकर? आज सैगाव ब्लॉक का एक आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन ग्राम तलकपुरा में रखा गया है। निश्चित तौर पे ऐसे शिविर लगते रहना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद हमारी देश की पुरानी चिकित्सा पद्धति है और उसके इस चिकित्सा पद्धति से साइड इफेक्ट जो होते हैं एलोपैथिक से, ये मरीज को नहीं होता और इसका लाभ लेना चाहिए। निःशुल्क है और इसका लाभ लेना चाहिए। आज यहाँ तलकपुरा में कौन सा कैंप लगाया? आज जो है राष्ट्रीय आयुष मिशन मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय आयुष मेला जिला आयुष विभाग खरगोन के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। इस आयुष मेले का उद्देश्य है कि आयुर्वेद की चिकित्सा जो है जन जन तक पहुँचे। हमारे भारत की प्राचीन चिकित्सा आयुर्वेद में जड़ी बूटियों के द्वारा उपचार, योग के द्वारा उपचार, ये जो है हमारे घर की रसोइयों में जो मिर्ची मसाले हैं ये इनके द्वारा उपचार, ऐसी अमूल्य जानकारी शासन का उद्देश्य है कि जन जन तक पहुँचे। और इस तरह के ब्लॉक स्तरीय आयुष मेले जो है पूरे मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, उसी कड़ी में जो है आज ग्राम तलकपुरा में भी ये आयुष मेला लगाया जा रहा है, जिसमें जिले के आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क औषधि वितरण किया जाएगा। और इस स्वास्थ्य मेले में जो है अग्निकर्म और रक्तमोक्षण आदि की क्रियाएं भी रोगी की आवश्यकता के अनुसार की जाएगी। क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी रायगढ़पुरा खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।